भैया ग्रीन टूरिज्म का हवाले से हमने यही देखा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों का मुनफिक होना या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से है। अगर ये प्रॉपर इस चीज़ को समझे तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे सारे पढ़े लिखे हैं, तो मैं और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ग्रीन टूरिज्म के हवाले से मीडिया पे तंकीद हो रही है कि ये है वो है, इस तरह की बातें ना करें। जो नौजवान जो ये लोग नौजवान नस्ल को मौके दे रहे हैं, प्लीज़ इनके साथ दे दें। नौजवान नस्ल को आपके आपकी भाई हैं सारे, तो इनको मौका फराहम करें, इस तरह की बातें नहीं करें। थैंक यू। जो पहले जो टूरिज़म थी वो ऐसे ट्रेडिशनल थी, आजकल जो टूरिज़म है वो थोड़ी डिजिटलाइज हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ें सिखाएंगे टूरिज़म, ये जो जितने भी दूसरे जो होटल्स हैं ये इनको देख के मतलब कुछ डिजिटलाइजेशन इनमें आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद आया हूँ यहाँ पे होटल मैनेजर के लिए अप्लाई करने, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ग्रीन टूरिज़म को, ये टूरिज़म को प्रमोट करें और सब लोग आके अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला सबको यहाँ से रोज़गार भी मिल जाएगा और ये जो ग्रीन टूरिज़म डिपार्टमेंट है ये भी आगे प्रमोट हो जाएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफात अली है और मैं यहाँ ऐसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हेड ऑफ इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने आया हूँ और उसी के इंटरव्यू के बेस पे आया हूँ। ग्रीन टूरिज़म के हवाले से ये कि जो हमारा इलाका पहचाना भी जाता है, जिसकी पहचान है वो टूरिज़म के बेस पर है, तो इसी सिलसिले से अब एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है इसे ग्रीन टूरिज़म के थ्रू, एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर रोज़गार के थ्रू। हम खुद भी टूरिज़म के ऊपर बड़े काम कर चुके हैं, तो हम जब से हमने होश संभाला तब से अब तक हमने काम किया है, लेकिन इतना इनिशिएटिव हम नहीं लगा कि जहाँ पे ये इतना अच्छा कोई सेटअप ले लें या कोई अच्छा काम या अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हमें दे दें, जिस जो मौका दे दें जिस पर हम बैठ के काम करें। तो ये ग्रीन टूरिज़म के हवाले से हमने यही देखा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों का या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से है, अगर ये प्रॉपर इस चीज़ को समझे तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम मुशर्रफ है, मैं नोमल से ताल्लुक़ रखता हूँ, गिलगित का ही हूँ मैं भी। तो मैं यहाँ पे एज ए कैप्टन रेस्टोरेंट में एज ए कैप्टन के जॉब अप्लाई करने के लिए आया हूँ। माशाल्लाह से मेरा होटल में 3 साल हो गया, तो ये ग्रीन टूरिज़म में जो यहाँ पे गिलगित में होटलिंग का कोई जो काम शुरू किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका। नौजवान नस्ल को क्या कहते हैं मौके दे रहे हैं, जॉब्स फराहम कर रहे हैं। यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं गिलगित में नौजवान नस्ल जो है आजकल के सारे बेरोज़गार, ज़्यादातर यहाँ पे बेरोज़गारी है। माशाल्लाह से यहाँ पे सारे पढ़े लिखे हैं, तो मैं और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ग्रीन टूरिज़म के हवाले से मीडिया पे तंकीद हो रही है कि ये है वो है, इस तरह की बातें ना करें। जो नौजवान जो ये लोग नौजवान नस्ल को मौके दे रहे हैं, प्लीज़ इनके साथ दे दें। नौजवान नस्ल को आपके आपकी भाई हैं सारे, तो इनको मौका फराहम करें, इस तरह की बातें नहीं करें। थैंक यू। जी, मेरा नाम राशिद हुसैन है और मैं यहाँ IT के लिए अप्लाई किया है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा फ़ायदा जो था वो आवाम को नहीं मिल रहा था। अभी जो ग्रीन टूरिज़म के हवाले से जो जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी रेस्ट हाउस उठाए हैं, मुझे लगता है ये लोग जॉब क्रिएशंस होगी यहाँ पे, जो जॉब्स की जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल में लोगों में मतलब ये शोर दिया है लोगों को कि बुलाया है कि इतने जॉब्स दे रहे हैं ये लोग, तो ये इनका अच्छा एकदम है जी। मुझे लगता है उनको बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहले जो टूरिज़म थी वो ऐसे ट्रेडिशनल थी, आजकल जो टूरिज़म है वो थोड़ी डिजिटलाइज हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ें सिखाएंगे टूरिज़म, ये जो जितने भी दूसरे जो होटल्स हैं ये इनको देख के मतलब कुछ डिजिटलाइजेशन इनमें आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, तो मेरा नाम आकिब हुसैन है और मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं नालतर पाइन से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो अभी जो बात चल रही थी ग्रीन टूरिज़म के बारे में, तो इसका ये है कि ये है तो सही है, लेकिन हमारे जो लोग हैं ये इसको गलत मानते हैं। हमने ये प्रमोट करना है हर हाल में टूरिज़म को, अगर हम टूरिज़म प्रमोट करेंगे तो हमारे पास यानी ये बेरोज़गारी वगैरह है जो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा जो अभी हमारा ये कहना है कि ये ग्रीन टूरिज़म की वजह से हमारी ज़मीनें ये वो सब कुछ ये चलता रहता है, तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, सबको चाहिए आके अप्लाई करें, इसमें हो सकता है। मैं खुद आया हूँ यहाँ पे होटल मैनेजर के लिए अप्लाई करने, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ग्रीन टूरिज़म को, ये टूरिज़म को प्रमोट करें और सब लोग आके अप्लाई करें।
को करना चाहिए, सबको आना चाहिए, यहाँ पे घूमना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टूरिज़्म को। इसकी वजह से हमारा जो मुल्क है ये तरक्की कर सकता है। अब हम सबको बंद करेंगे, बाहर से फॉरनर आते हैं यहाँ पे, इसके हमारे पास ऐसे वैसे चीज़ें नहीं है कि हम उनके साथ अच्छे से डीलिंग करें। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि यहाँ पे सही से रिजॉर्ट्स बनाएं, टूरिज़्म गाइड्स रखें, वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वो प्रोवाइड करें ताकि हम टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन टूरिज़्म अभी हमारी ज़मीनें अगर उठाना चाहे तो ये एक इंच भी हमसे नहीं उठा सकती, क्योंकि ये हमारी ज़मीनें, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, ये हमारी अपनी ज़मीनें। हाँ बेशक उनको हम मौके दे सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टूर गाइड्स, होटल्स वगैरह ये सब हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर हमारी कोई ज़मीन कब्ज़ा करना चाहे या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे एक इंच भी नहीं मिलेगी। मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं नालतर पाइन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इधर ग्रीन टूरिज़्म में टेस्ट देने के लिए आया हूँ। अच्छा, मैंने जिस पोस्ट में अप्लाई किया है वो है सुपरवाइज़र एंड HR मैनेजर। नालतर बाला और पाइन एक ऐसी खूबसूरत जगह है, यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है टूरिज़्म को डिस्टर्ब करना या कोई ऐसी मजहबी या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हम भाई भाई हैं, भाला पाइन, तो हम भाई होकर रहेंगे। इतने सारे पोस्ट आए हुए हैं तो यहाँ पर भाला पाइन नॉर्मल से भी लोग आए हुए हैं टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह ताला सबको यहाँ से रोज़गार भी मिल जाएगा। और ये जो ग्रीन टूरिज़्म डिपार्टमेंट है ये भी आगे प्रमोट हो जाएगा।